जी अस्सलाम वालेकुम लेक्चर 75। अच्छा वो कल हम सवाल कर रहे थे, पेज निकालें 152। इसको ज़रा पूरा पढ़ लें इंग्लिश को। वेयर टू और मोर एसेट्स आर डिस्पोज ऑफ इन अ, जहाँ सिंगल ट्रांजेक्शन में आपने दो या दो से ज़्यादा एसेट बेचे, तो इधर देखिएगा, टोटल कंसिडरेशन रिसीव शेल बी अपोर्शन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज। तो अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन में दो एसेट बेच दें और बेच के आपको 10 मिलियन आ गया था, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी कंसिडरेशन को तकसीम कर देना है, बोला इन अकॉर्डेंस विद देयर फेयर वैल्यूज। ये काम कल हमने किया था। अच्छा अब एक मसला रह गया था, हमने दो चीजें बेची थी, फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री लैंड बेची थी। एक मसला रह गया था, ये कौन से हेड्स ऑफ इनकम में जाएगा। उसके लिए आप जरा निकालिएगा कैपिटल गेन का चैप्टर, पेज नंबर 32-221। पेज 221 पे पॉइंट 3A पे देखें, आपने ये लिखा हुआ है अपनी किताब पे। पेज 221 पे पॉइंट 3A पे जरा हाथ खड़ा करके बता दें कितने लोगों ने लिखा हुआ है अपनी किताब पे। एक्सेलेंट भाई, इमोबल प्रॉपर्टी के बेचने में मैंने क्या क्या बताया था आएगा, नहीं लिखा हुआ तो भी लिख लेंगे आप। घर की लैंड एंड बिल्डिंग बेचना, दुकान की लैंड बेचना या फैक्ट्री की जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, और कोई वाले साहब ने प्लॉट खरीदा हुआ है वो बेच दिया। ये जो इसमें दुकान की लैंड खरीदना है ना, ये जरा आपने गौर से सुनना है। एक बंदे का घर है वो अगर बेच दे, वो तो कैपिटल गेन के चैप्टर में सेपरेट ब्लॉक। एक बंदे ने कोई प्लॉट खरीदे, लोग प्लॉट खरीद के बेचते रहते हैं, वो भी सेपरेट ब्लॉक। एक बंदे की दुकान है, दुकान नीचे लैंड ऊपर बिल्डिंग, जैसे पिज्जा नीचे डो ऊपर सब्जियां और चिकन, तो नीचे लैंड ऊपर बिल्डिंग। वो जो बिल्डिंग है ना वो डेप्रिशिएट हो रही होती है, वो बिल्डिंग का बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाता है। लेकिन जो बिजनेस में आप बिल्डिंग के नीचे जो डो है उसकी, जो लैंड है, उस लैंड का बेचना याद रखिएगा सेपरेट ब्लॉक में जाएगा कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान बेचे, तो उसमें जो बिल्डिंग का बेचना है वो बिजनेस के चैप्टर में जाएगा, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही होती है, और जो नीचे उसका बेचना, ये लिखवाया हुआ यहां पे, ये लिखवाया हुआ यहां। इस बुनियाद पे आ जाएं बिजनेस के चैप्टर में वापस। जी हजरात, कल आपको याद है 6.25 आई थी बिल्डिंग की और 3.75 आई थी लैंड की। तो जो लैंड का बेचना है वो सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा, और जो बिल्डिंग का बेचना है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। इसके साथ लिख लें कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के चैप्टर में सेपरेट ब्लॉक। ओके क्लियर। अब आप आ जाएं वो जो पॉइंट रहता था हमारा, पेज 149 पे। एसेट्स एक्वायर्ड अंडर लीज, अच्छा रनिंग लीज की क्या ट्रीटमेंट है, ये रनिंग लीज का लफ्ज जो मैंने बोला है ये शायद आपको याद हो। पेज निकालें 195। रनिंग लीज का मतलब है अभी आप किराया देते जा रहे हैं हर साल, ऐसे अभी किराए पे लिया हुआ है। रनिंग लीज की ट्रीटमेंट बताएं क्या थी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट,
रिवर्स करेंगे, इसकी जगह लीज रेंटल पेड माइनस करेंगे। तो जब तक किराया पे करते रहे तब तक लीज को क्या कहते हैं, चलती हुई लीज, रनिंग लीज। ओके अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, लीज थी 4 साल की, आपने लेसर से बात की कि लेसर भाई जब चौथे साल का एंड आएगा तो लीज तो खत्म हो जाएगी, तो चौथा किराया मैं तुम्हें दूंगा, इसके बाद एसेट का क्या करोगे? तो बैंक ने कहा यार तुम्हारी मर्जी है, तुमने खरीदना हुआ फिर खरीद लेना मेरे से पैसे देके। तो 4 साल तक मुसलसल हम क्या पे करेंगे, किराया। चौथे साल के एंड पे आके हमारी एक मर्जी होती है, अगर हम चाहें तो हम बैंक से कहें यार चौथे साल के एंड पे अब मैंने किराया तो देना बंद कर रहा हूं, तो जाहरी बात है बैंक ने मुझे असर दिया होता, बैंक को मुझे जाके वापस कर देनी चाहिए वो चीज। लेकिन मैं बैंक से रिक्वेस्ट करता हूं यार बैंक मैं इसको बाय करना चाहता हूं, तो जब बैंक मुझे ये कह दे तुम बाय कर लो तो उस वक्त मुझे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो कि किराए की मद में नहीं दे रहा हूंगा, अब बकाया उम्र जो एसेट इस्तेमाल करना है उसकी मद में दे रहा हूंगा। तो लीज के चौथे साल के एंड पे जब लीज खत्म हो रही थी तो मैंने सोचा कि एसेट को बाय कर लूं। इस वक्त याद रखिएगा लेसी बैंक को रेजिडुअल वैल्यू एसेट की पे करेगा, रेजिडुअल वैल्यू क्या करेगा, और अब ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी, अब ये इसको डिप्रिशिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब तो टैक्स वाले भी डिप्रिशिएट करेंगे क्योंकि ये एसेट अब रनिंग लीज से निकल गया है और ये एसेट परचेज्ड एसेट बन गया है। कौन सा बन गया, परचेज्ड एसेट। लेकिन मोहतरम कई दफा ऐसा होता है कि हम ना लीज के एंड का वेट नहीं करते, लीज कितने साल की थी, 4 साल की, कई दफा ऐसा होता है हम लीज के एंड का वेट नहीं करते, हम पहले ही तंग आ जाते हैं, शायद हम दूसरे साल के एंड पे जाएं बैंक के पास और बैंक को जाके कहें यार ये लीज के एग्रीमेंट खत्म कराओ, अब हमें तीसरे चौथे साल का किराया पे नहीं करना पड़ेगा, हम बैंक को कहें यार हमें लीज कैंसिल कराओ, खत्म करो, मैं तंग आ गया हूँ लीज से, किस्तों किस्तों वाली टेंशन मुझे बड़ी पड़ी होती है, तो मैं पैसे देके एसेट खरीद रहा हूं। अब जो टेक्निकल नाम यहां यूज होता है ना, यहां भी आप कुछ ना कुछ पैसे पे करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि एसेट तो अभी नया नया है। अब आपको जो पैसे पे करने पड़ेंगे उन पैसों को रेजिडुअल वैल्यू नहीं कहते क्योंकि लीज अभी मैच्योर नहीं हुई, लीज आपने मैच्योर होने से पहले ही कैंसिल करा ली, इन पैसों को कहते हैं बार्गेन परचेज प्राइस, यानी लड़ लड़ के प्राइस एग्री कराना, बार्गेन परचेज प्राइस। तो अगर तो आप लीज के मैच्योर होने का वेट करें तो आप क्या पे करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू, और अगर आप लीज के मैच्योर होने का वेट ना करें तो आप क्या परचेज करेंगे, पे करेंगे, डेट विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इस सूरत में जो मैंने दूसरा वाला सिनेरियो बताया, आप तीसरे चौथे साल किराया पे नहीं करेंगे क्योंकि अब आपने एसेट को बहुत जल्दी खरीद लिया, कब खरीद लिया, दूसरे साल के एंड पे, तो लीज एंड होने पे खरीदें तो क्या पे करते हैं, और लीज खत्म होने से पहले खरीदें तो क्या पे करते हैं, बार्गेन परचेज। नोट कर लो, शायद मैंने 2 साल पहले ही खरीद लिया, एंड का वेट नहीं किया, मैं बेसब्रा था, अच्छा जब लॉ की स्पेसिफिक गाइडेंस आ जाए ना तो फिर जो जहन में बात आ रही हो उसको फॉलो नहीं करते, लॉ की गाइडेंस फॉलो करते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता फर्ज करें चौथे साल वाला सिनेरियो है, खुदा ना खास्ता पेपर में आपको चौथे साल के एंड की फेयर वैल्यू दे दे पेपर में, तो आपने उसे इग्नोर करना है। लेकिन कभी कभी एक और चीज़ भी दे देते हैं चौथे साल के एंड पे, अकाउंटिंग WDV क्या दे देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वाले तो इसको पहले दिन से डेप्रिशिएट कर रहे थे, ये तो आपको याद होगा अकाउंटिंग वाले तो 4 साल हो गए हैं इसको डेप्रिशिएट करते हुए, तो कभी कभी पेपर में आपको परेशान करने के लिए
अकाउंटिंग WDV भी दे सकता है। तो अगर पेपर में आपको वो दे दे फेयर वैल्यू या अकाउंटिंग WDV, तो आपने इसे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। बिरयानी में आपने फेयर वैल्यू को आलू की तरह समझना है और बिरयानी में आपने अकाउंटिंग WDV को स्टारफिश की तरह समझना है, लोंग की तरह समझना है, और आपने इनको इग्नोर करना है। दीवानावार रेजिडुअल वैल्यू वाली बोटी ढूंढनी है। तो जो चीज काम की हो वही ढूंढते हैं ना आप, बताएं। खाली शोरबा अम्मी डाली जा रही है, थोड़ी सी बोटी भी एक डाल दें मेरी प्लेट में। तो खाली फेयर वैल्यू अकाउंटिंग WDV गिवन हो तो उसे क्या कर देना है, उसकी जगह क्या ढूंढने, जो लॉ का रूल है वो लगाना है। रेजिडुअल वैल्यू एक प्राइस है जो KF7 में पढ़ाई जाएगी, वो पेपर में गिवन होगी, बस पेपर में वो गिवन होगी, जिस उसके साथ वाजे तौर पे लिखा होगा रेजिडुअल वैल्यू। ये कैसे निकलती है, इसके पीछे क्या वजह है, वो उसको छोड़ें। फेयर वैल्यू बस ये होगी बाजार में जो उसकी कीमत है, रेजिडुअल वैल्यू उससे डिफरेंट भी हो सकती है, ये थोड़ी सी KF7 की एक बहस है, उसको छोड़ें। ओके चलें जी, आ जाएं एग्जाम्पल करें। हमने क्या करने लगे हैं जी, एसेट एक्वायर करने लगे हैं। कौन सा एसेट एक्वायर करने लगे हैं, जो अंडर लीज था। हो सकता है हम ऑन और बिफोर लीज, ऑन और बिफोर का मतलब जिस दिन लीज खत्म हो उस दिन भी एक्वायर कर सकते हैं, या लीज खत्म होने से पहले भी एक्वायर कर सकते हैं। इफ एन एसेट अंडर लीज इज एक्वायर्ड बाय लेसी ऑन, अगर ऑन वाला सिनेरियो है तो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, और अगर बिफोर वाला सिनेरियो है तो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। तो अगर आप एसेट एक्वायर कर लें ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज तो फिर क्या प्राइस लेंगे, और अगर आप एसेट एक्वायर कर लें बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज, ये ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज या बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज, आपकी मर्जी है। लीज मैच्योर होने से पहले एक्वायर कर लें या लीज मैच्योर होने वाले दिन एक्वायर कर लें। मैच्योर होने वाले दिन की मिसाल थी चौथे साल का एंड, तो फिर आपने ढूंढनी है दीवानावार रेजिडुअल वैल्यू। और अगर लीज खत्म होने से पहले ही आपने उसको खरीदना पसंद समझा, ओके सवाल करते हैं जी। एक मोटर व्हीकल है, उसकी कॉस्ट एट द टाइम एक्वायर यानी लीज जब शुरू हुई 10 लाख है। इसमें बार्गेन परचेज का मतलब यह है कि अगर आप लीज के दरमियान में लीज कैंसिल करवा लें तो आपको इतने की चीज मिल सकती है। अगर आप 7 किस्तों से पहले ही लीज से जान छुड़ाना चाहें तो 10 लाख की गाड़ी मिलेगी आपको। अगर आप 7वीं किस्त के बाद और 11 किस्तों से पहले पहले इसको खरीदना चाहें तो फिर 750 की मिलेगी। ये सारी बार्गेन परचेज प्राइसेस हैं। अगर आप 11 किस्तों के बाद और 17 किस्तों से पहले खरीदना चाहें तो 5 लाख की मिल जाएगी। अगर आप 17 किस्तों के बाद और 22 किस्तों से पहले खरीदना चाहें तो आपको 2.5 लाख की मिल जाएगी। किस्तें टोटल 22 ही हैं यानी लीज खत्म हो जानी है। रेजिडुअल वैल्यू ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज यानी 22 किस्तों के बाद रेजिडुअल वैल्यू ये है। तो ये रेजिडुअल वैल्यू है जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, और स्काई ब्लू से मैंने बार्गेन परचेज प्राइस हाईलाइट कर दी। तो महीने का किराया 60,000 है, किराए को क्या करना छोड़ें, ये वो रेंटल है जो दिया जा रहा है। एसेट इज एक्वायर्ड आफ्टर 15th इंस्टॉलमेंट, एसेट हमने बाय कर लिया है 15th इंस्टॉलमेंट के बाद। बताएं लीज मैच्योर होने का वेट किया था या मैच्योर होने से पहले ही एक्वायर कर लिया। अब बता दें मैं किसको ग्रीन सिग्नल दूं, 5 लाख को, 5 लाख को ग्रीन सिग्नल दूंगा। मेरा जवाब एग्जामिनर को होगा 5 लाख इज द कॉस्ट ऑफ माय एसेट। तो 5 लाख का मैंने यह खरीदा है क्योंकि मैं क्या पे करके आऊंगा, बार्गेन परचेज प्राइस, ना के रेजिडुअल वैल्यू। तो 70,000 इग्नोर, 2.5 लाख भी इग्नोर, 7.5 लाख भी, 10 लाख भी, सिर्फ 5 लाख इज माय कॉस्ट ऑफ एसेट। कैसे पता चला, एसेट इज रिक्वायर्ड आफ्टर कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब हम इस पे चार्ज करेंगे एज पर सेक्शन 76। अच्छा चौथा वाला सिनेरियो लेते हैं, यानी सॉरी चौथे साल वाला सिनेरियो लेते हैं कि हमने बेसब्रे नहीं थे, हमने लीज खत्म होने का वेट किया। मुझे बता दें टैक्स वाले और अकाउंटिंग वाले
क्या कर रहे होंगे? रेंटल माइनस कर रहे होंगे। रेंटल चौथे साल का किराया देंगे नहीं देंगे? उस साल के आखिरी दिन जाके खरीदे देंगे, चौथे साल का किराया देंगे। और अकाउंटिंग वाले क्या कर रहे होंगे? बोले बोले बोले, अकाउंटिंग व्यू बताने लगा हूँ, टैक्स वालों का व्यू। डेप्रिशिएट कर रहे होंगे और 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 पांचवें साल क्या होगा? वो तो कर लिया ना, चौथे साल के आखिरी दिन एक्वायर कर लिया, बताएं आप क्या होगा? टैक्स वाले क्या करेंगे? ये तो ओन्ड एसेट बन गया, ओन्ड एसेट बन गया, तो टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन जिसे आप कहते हैं। और अकाउंटिंग वाले अब किराया तो पे नहीं कर रहे, किराया तो पे करना बंद, जब किराया पे करना बंद तो फिर कोई किस्तें नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एसेट तो अब आपका अपना है, तो अकाउंटिंग वाले स्टिल, तो ये ट्रीटमेंट तो मेरे ख्याल से ओन्ड एसेट की भी यही होती है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा देते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अब तो ओन्ड एसेट बन गया। अब इसमें मैंने क्या आपको समझाना, अब पांचवें साल छठे साल कोई किस्त पे नहीं होगी, क्यों नहीं किस्तें पे होंगी? तो फिर रेंटल कहां से माइनस करेंगे, किस्तें ही नहीं पे हो रही, अब उसकी जगह क्या माइनस होगा? टैक्स वालों की, और उल्टाएंगे क्या? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। लेकिन एक छोटी सी गलती है जो बच्चे कर जाते हैं, वो ये कर जाते हैं कि इस साल ना टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। इस साल टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। ये क्यों करनी जरूरी है यार? टैक्स वाले तो 30 जून की शाम को भी आप ऐसे खरीदे ना तो वो कहते हैं डेप्रिशिएट करो, तो टैक्स वाले तो 30 जून की रात को भी ऐसे खरीदे तो डेप्रिशिएट कराते हैं। लीज से बाहर निकल आए, लीज का टॉपिक छोड़ दें, फेंकें लीज का टॉपिक। अगर मैं 30 जून की रात को ये एसी खरीद लेता हूं, शाम को 6 बजे लाके एसी लगा दिया मैंने, अकाउंटिंग वाले हो सकता है कहीं अगले दिन सुबह से डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। टैक्स वाले कहेंगे 30 जून की रात को आपके एसेट्स में पड़ा है, इसको डेप्रिशिएट करो, एसी का बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15 रेट लगा के इसको फारिग करो, डेप्रिशिएट करो, कोई मसला नहीं। तो याद रखिएगा टैक्स में तो मेरे ख्याल से सवाल कराए थे 15 मई को भी एसेट हमने कोई खरीदा था, तो 15 मई को खरीदें, 29 जून को खरीदें, 30 जून को खरीदें, यू आर सपोज टू डेप्रिशिएट। तो एक लम्हे के लिए तो हमारा बन गया ना, शाम बैंक बंद होने से पहले 5 बजे हमने रेजिडुअल वैल्यू पे की होगी ना, तो शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये मेरा ओन्ड एसेट है, इसलिए ये डेप्रिशिएट होगा। तो याद रखिएगा इस साल भी टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जिस साल हम खरीदेंगे, लेकिन अगर हमने रेजिडुअल वैल्यू पे अगले साल की होती वो फिर और बात थी, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन शायद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो अभी हमने खरीदा ही नहीं, खरीदा अगर हमने अगले साल होता, लेकिन फिलहाल मैंने अपने साल के आखिरी दिन पे कर दिया, तो मेरा ओन्ड एसेट बन गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है, नोट कर लें, वो मैं अभी बात करूंगा। ये ना मैं आपको न्यूमेरिकल कराने लगा हूं जिसमें ये वाला साल डिस्कस होगा। अच्छा, खुला खुला करके नोट नहीं किया था, अब दोबारा डायग्राम बनानी पड़ी है। चलें, अल्लाह भला करे। जी 15 सेकंड, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलें जी, अब सवाल की तरफ आ जाएं, कर लें, चलें कर लें। ये साथ वाले से नहीं कर जाके पूछना आर का क्या मतलब था? नहीं, रेंटल, रेंटल। आ जाए, वो सवाल कौन सा कतील वाला था, उसके बाद कौन सा था मुश्ताक वाला, अब मुबशर वाला कर लेते हैं, मुबशर वाला सवाल। बस बस वक्त गुजर गया, इतनी जल्दी से वक्त गुजरता है, किसी का इंतजार नहीं करता। पहले जरा जरा नहीं, पूरा ही आ जाए, बल्कि आप आज तो पहले आप आए जरा पेज नंबर 195 पे, 195 पे। हाँ जी, लीज्ड एसेट में अगर रनिंग लीज है
तो काउंटिंग डिडक्शन उल्टा के इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करने होते हैं। और हमारा जो अभी सवाल में वो साल चल रहा था चौथा वाला, उसमें ये करना पड़ना था क्योंकि लीज साल के आखिरी दिन तक रनिंग लीज थी, किराया भी पे हुआ था हमारे साल का। और अगर लीज एसेट आप एक्वायर कर लें, ये तो नया पॉइंट है, एक्वायर्ड बाय पेइंग बार्गेन परचेज प्राइस और रेजिडुअल वैल्यू, तो अकाउंटिंग डिडक्शन उल्टानी है, टैक्स डिडक्शन माइनस करनी है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो वो ओन्ड एसेट का भी यही है ना, अकाउंटिंग डिडक्शन उल्टानी है। तो ये लीज एसेट एक्वायर्ड है। ये मैं आपको आज एक सवाल कराने लगा हूँ, क्वेश्चन 7, ये सवाल अभी हम करते हैं नीचे, मुश्ताक वाला, मुबशर वाला, क्वेश्चन 7 निकालें जी। मिस्टर मुबशर अज एन इंडिविजुअल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स अंडर द नेम ऑफ स्टाइल मुबशर एंटरप्राइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एमई फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2008। टर्नओवर होती है सेल, सेल छोड़ें प्रॉफिट से शुरू करें, प्रॉफिट से शुरू करें जी। वर्किंग वन इनकम फ्रॉम बिजनेस जी, प्रॉफिट मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं, रहने दे 25 लाख। चलिए जी पढ़े पहला आइटम, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट लीज वालों का, और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या पड़ा हुआ है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। तो उल्टा दें, ऐड इंटरेस्ट और अकाउंटिंग वालों की किस एसेट पे, लीज्ड पे बोलें जी, और मेंटली प्रिपेयर रहे कि किराया भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट डिडक्शन उल्टा दी है, रनिंग लीज है, किराया भी पे करना पड़ेगा। ओके अगली लाइन पढ़ लें, ये क्या अकाउंटिंग डिडक्शन दोबारा क्यों दे दिया है, तो लीज वाले एसेट तो अलग होते हैं ना जो किराए पे लिए हैं, ये तो ओन्ड एसेट हैं, इनके अकाउंटिंग डिडक्शन ऐड कर दें। सब्र करें पहले ऊपर देख लें, अकाउंटिंग डिडक्शन ऑन ओन्ड एसेट इज 650, द टैक्स डेप्रिसिएशन विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पैरा 4 इज 12 लाख। चलो कंसिडर कर लेंगे इसका इफेक्ट, फिलहाल 12 लाख तो रिकॉर्ड कर लें, पैरा 4 पे भी आ जाएंगे, कोई जल्दी नहीं, खैर है पैरा 4 वाली डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की निकालना कहते हैं, मैं भूल गया हूँ, वो डिडक्शन कहते हैं जब मौका है आप निकाल लेना, तो वो निकाल लेंगे फिर विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ 4। तो चलें खैर है, उसके इफेक्ट के बगैर बाकी चीजें तो रिकॉर्ड करवा दें जी। अकाउंटिंग डिडक्शन बोले ओन्ड की 6 और माइनस क्या कर दें कितनी, 12 लाख। चलें जी वापस आ जाए, पॉइंट 3 अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है, हमने हेडिंग कौन सी दे दी हुई ऊपर इनकम फ्रॉम, आगे ना पढ़ें पहले इसको उल्टाया करें फिर आगे पढ़ा करें, जितना अदर इनकम में पड़ा होगा एग्जैक्ट उसी अमाउंट से उल्टाना होता है, जो चीज पड़ी है उसी को उल्टा सकते हैं ना। उस दिन याद है यहां पे लिखा था कैपिटल गेन, तो डिविडेंड इनकम उल्टा दें, डिविडेंड इनकम कहेगी मुझे क्यों निकाला, तो कोई परेशानी की बात नहीं, इसे बता देंगे तुम्हें क्यों निकाला यहां से, ये मैं कौन सी इनकम निकाल रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ आर डाल दें रिक्लासिफाई, ठीक है रिक्लासिफाई। अच्छा जी रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज लिख लें ऊपर, रिसीव फ्रॉम बोले लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज लिख लें ऊपर, क्यों लिख रहे हैं, और भाई मेरी बात सुने ना, शेयर बेचने पे हम लिखते हैं कि ये लिस्टेड है या प्राइवेट है, तो शेयर तो नहीं बेच रहे डिविडेंड कमा रहे हैं, तो डिविडेंड तो चाहे लिस्टेड से हो चाहे नॉन लिस्टेड से हो चाहे प्राइवेट से हो, डिविडेंड तो 15% फाइनल टैक्स पे रेट लगता है, वो तो अगर शेयर बेच रहे होते तो सोचते कि प्राइवेट है या लिस्टेड है, किन चक्रों में पड़े, बट छोड़ें कंपनी से डिविडेंड आया बात खत्म,
सिक्योरिटीज लिख के अपने आप को परेशान करें, फिर कोई ट्रीटमेंट डिफरेंट करनी होगी, कोई ट्रीटमेंट डिफरेंट नहीं करनी, तो याद रखिएगा भाई, एक होता है शेयर बेचना, उसमें सोचना पड़ता है प्राइवेट के बेचे हैं या लिस्टेड के। एक होता है डिविडेंड कमाना, डिविडेंड कमाने में नहीं सोचना आपने प्राइवेट कंपनी है या कौन सी है, पर डिविडेंड के लिए आपको पता है फाइनल टैक्स का रेट है 15%। द अमाउंट यानी 580, द अमाउंट, ये जो कहते हैं अभी आप अमाउंट पढ़ के आए हो ना, द अमाउंट इज नेट ऑफ नंबर वन इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड नंबर टू ज़कात ऑफ 1 लाख, जो कि ज़कात इंश्योरेंस के मुताबिक आपकी कट गई। इस अमाउंट तक पहुंचते हुए दो चीजें माइनस हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे एक भाई अपने बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई को जाके कहा, भाई बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई को जाके कहा कि मैंने 5 चॉकलेट्स खरीदी थी, 2 रास्ते में दोस्तों को दे दी, 2 रास्ते में बच्चों को दे दी, 1 बच गई है वो आपके लिए, तो ग्रॉस थी 5, रास्ते में 2 बांट दी, फिर 2 बांट दी, नेट बची कुछ ही 1, वो आपने बड़े भाई को पेश कर दी। तो 580 मेरे भाई वो जो कट कटा के है ये वो वाला है, द अमाउंट ये 580 इज नेट ऑफ इनकम टैक्स एट 15% एंड इट इज नेट ऑफ ज़कात ऑफ 1 लाख। तो इसका मतलब है पता नहीं ग्रॉस डिविडेंड कितना था, वो ट्राई करते हैं निकालने की, वर्किंग टू यहां पे इसका टोटल आ जाएगा, न्यूमेरिकल कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं, वर्किंग टू ग्रॉस डिविडेंड मुझे नहीं पता सवाल में कितना है, जरा फोकस करके आपने मुझे बताना है, हां सॉरी नेट डिविडेंड, ग्रॉस डिविडेंड मुझे नहीं पता सवाल में कितना है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि 15% टैक्स लगता है ग्रॉस डिविडेंड पे, और ज़कात भी सवाल वाला कह रहे हैं माइनस हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि 1 चॉकलेट भाई को मिली, 5 खरीदी थी, 2 बच्चों में बांट दी, 2 दोस्तों में बांट दी, तो मिला जुलू के अगर मैं भाई को आके ये कह दूं कि भाई मैं भाई से ऐसी बात करूं कि भाई सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई 2 चॉकलेट्स मैंने बांट दी दोस्तों को, 2 बांट दी मैंने बच्चों को, 1 तुम्हारे लिए लाया हूं, भाई मैंने कितनी खरीदी थी पुत्र, 5, बड़ा भाई कह देता ना प्यार में पुत्र 5, समझ आ गई बात। अच्छा अब मुझे बता के कट कटा के कितना मिला, 580 के साथ वाजे तौर पे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, एक 580 के साथ लिखा हुआ है रिसीव्ड, यहां से भी पता चल रहा है ये कट कटा के मिला है, और दूसरा द द द इज नेट, इसमें नेट हो चुका हुआ है। तो ग्रॉस डिविडेंड को आप एक्स एज्यूम कर लें, 100 एज्यूम कर लें, आपकी मर्जी है, मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं, माइनस 15% ऑफ एक्स, क्योंकि याद रखिएगा डिविडेंड का रेट ग्रॉस डिविडेंड पे लगता है, माइनस ज़कात। नो व्हाट इज एक्स, ग्रॉस डिविडेंड, आप कोई और तरीका भी कर सकते हैं कैलकुलेशन का, जवाब ही आना चाहिए बस। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ग्रॉस माइनस 15% माइनस ज़कात इज इक्वल टू नेट, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इक्वेशन में, ज़रा आसान हो जाते हैं। द अमाउंट इज नेट ऑफ टू थिंग्स, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, कुछ बच्चे ओवर एफिशिएंसी मारते हैं और 8 लाख माइनस कर देते हैं, कैलकुलेशन करके ना 8 लाख निकालते हैं, इधर 8 लाख माइनस कर देते हैं, नहीं भाई ये ब्लंडर है, ऐसा नहीं करना आपने, देखें एक चीज में से वही माइनस किया जा सकता है जो उसमें पड़ा है, अदर इनकम इन जितना इनक्लूड है वही निकाला जा सकता है,
कोई और चीज तो नहीं निकाली जा सकती। तो अदर इनकम से तो हम वही निकाल सकते हैं ना जितना पड़ा हुआ है। अब जाके देखें कतील को, आंखें बंद करें जरा, कतील जहन में लाएं, कतील कतील कतील, ओ ये तो लाइन भी लगी हुई है, अदर इनकम इंक्लूड 12, तो फिर निकाला भी कितना था। हाँ बाद में वो 75% लगा के 9 लाख ऐड कर दिया था वो टैक्स रूल्स के मुताबिक, तो जितना पड़ा होता है उतना ही निकाला जाएगा। अब 8 लाख और वो जो ज़कात वगैरह ना उसको मुझे याद करा दीजिएगा, अब न्यूमेरिकल के एंड पे मैं देख लूंगा जब फेस खोलूंगा न्यूमेरिकल का। फिलहाल वर्किंग टू को छोड़ दें अपने हाल पे, वर्किंग टू के जो फिगर्स हैं उनको देखी जाएंगी, उनको बाद में देखेंगे। लेकिन ये सारा जो हमने पढ़ा है ये हमने एक जगह और भी पढ़ा था, ये आपको मैंने बताया था पेज 199 पे न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट्स का, ऐसे ही हमने पार्ट सी बनाया हुआ है, इनकम्स दैट मे बी इनक्लूडेड इन इनकम्स जो शायद अदर इनकम में पड़ी हैं, लेकिन हम तो कौन सी इनकम निकालने चले थे, बिजनेस रास्ते में आ गए रोड़े, रोड़ों को बाहर निकालें, डिविडेंड इनकम को माइनस कर दें, प्रॉफिट में डिविडेंड पड़ा होना, कैपिटल गेन पड़ा होना, इससे बड़ा रोड़ा और क्या हो सकता है, ये भी रोड़ा पड़ा हो सकता है, घर का किराया आ गया ये भी रोड़ा पड़ा हो सकता है, कोई अदर सोर्स आ गई ये वाला रोड़ा शरीफ भी पड़ा हो सकता है, कोई बिजनेस की लैंड बेच दी। तो इनको एक एक करके मक्खन में से पहला बाल, दूसरा बाल, तीसरा बाल, चौथा बाल, पांचवा बाल निकालें, अब मक्खन पाक हो गया, अब आपकी निकल आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऑल दीज विल बी डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड विल बी रिक्लासिफाइड एट रेलिवेंट प्लेस। तो डिविडेंड 8 लाख का मुझे जरा याद करा दीजिएगा एंड पे, मैंने रिक्लासिफाई करना है एट रेलिवेंट प्लेस। आ जाए जी 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 हाँ जी चले, गल नहीं मुक गई, ठहर जाओ, ये बन जाएगा 1x, ये बन जाएगा 0.15x, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 580,000, 1 - 0.15 0.85x, 580 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 480,000। एक्स तू इत्थे ही रह मैनू जान दे, अच्छा क्या हो गया ऐड होने, अच्छा पॉजिटिव कितना हो गया 680,000। एक्स तू इत्थे ही रह मैनू जान दे, तू कितने जा रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ 0.85, बोले बोले जल्दी 8 लाख। अब नहीं चला, गलती होगी, कोई इंसान है, इन लोगों के टेस्ट में आपको दिखाऊंगा, ये जो हंस रहे हैं ना अभी आप पे, ऐसे टेंशन ना लिया कर, जरा बंदे बस आइडेंटिफाई करते जो ज्यादा हंसे हैं, उनके टेस्ट में आपको दिखाऊंगा। चलें जी आगे चलें, पॉइंट फोर, ऑन 30 जून 2008 साल के आखिरी दिन, द लीज ओ अल्लाह अकबर, द लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू मुबशर, खरीद ली, बिल्कुल खरीद ली, लीज मशीनरी वॉज ऑन मेच्योरिटी ऑफ लीज, क्या ढूंढें, रेजिडुअल वैल्यू, दीवाना वार बोटी ढूंढें, रेजिडुअल वैल्यू ढूंढेंगे। तो साल के आखिरी दिन लीज मशीनरी क्या हो गई बच्चों, ट्रांसफर किसको, द लीजिंग कंपनी वॉज, अच्छा अब इसमें ना एक बात सुन लें, साल के आखिरी दिन हम लीजिंग कंपनी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं यार ये एसेट हमें दे दो रेजिडुअल वैल्यू पे, तो लीजिंग कंपनी कहती है ठीक है यार रेजिडुअल वैल्यू के पैसे जमा कराओ, हम उसे कहते हैं यार वो मेरे कुछ पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, लीजिंग कंपनी कहती है कौन से पैसे, हमने कहा जो किरायों के अलावा तुम्हें सिक्योरिटी से जमा कराई थी एक दफा याद है, हाँ यार तुम्हारी सिक्योरिटी हमारे पास पड़ी, तो यार वो रख लो तुम पैसे, अगर रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है फिर तो बहुत ही हाल है। तो लीजिंग कंपनी कहती है हाँ यार ये तुमने सही बात की है, चलो ठीक है वो पैसे मैं तुम्हारे रख लेती हूँ और तुम एसेट को हमेशा के लिए अपने नाम करा लो। तो ये ऐसी आई के अपने बीच में कहानी डाली है, ये डालने की जरूरत कोई नहीं थी, हम रेजिडुअल वैल्यू ढूंढने चले थे, बीच में पता नहीं कहाँ की कहानियाँ उसने डाल दी। द लीजिंग कंपनी वॉज रिक्वेस्टेड, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एडजस्ट कर लो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया हुआ है रेजिडुअल वैल्यू के अगेंस्ट। तो मैंने तो सिर्फ ढूंढनी थी रेजिडुअल वैल्यू, बस इसको ग्रीन सिग्नल दे दें, बाकी तो कहानी पेपर में काम की नहीं है, एटलीस्ट प्रैक्टिकली शायद ये बात काम की हो, पेपर में काम की नहीं है, बाकी जो पीछे वाली लाइन लिखी हुई है। दोबारा सुन लें बात, पांचवें साल के एंड पे कौन बाय करने जा रहा है एसेट, मुबशर, कितने का बाय करने जा रहे हैं, लाख रुपए का, लाख रुपए किसे दे देने चाहिए,
मुबशर को दे देने चाहिए, किसे? लीजिंग कंपनी को। तो लीजिंग कंपनी ने उसे कहा कि यार तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी हुई है 1,00,000 रुपए, वही ना रख लूँ, सिक्योरिटी वगैरह लोग रखवाते हैं ना, सिक्योरिटी ना रख लूँ। उन्होंने कहा चलो सिक्योरिटी रख लो, बात खत्म करो। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमने पेमेंट कर ही दी है फिर। तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 76 नाउ? 1,00,000। आगे चले, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वॉज यकम जुलाई 3। लीज कब शुरू हुई थी? तो ये लीज 5 साल की है, 30/4 पहला साल होगा, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, तो लीज कितने साल की थी? 5 साल की लीज थी। बहरहाल हमारा साल तो 5वां और आखिरी है। नीद रेंट यार शहजादे तो इधर पड़ा हुआ था, तो सुबह से ढूंढ रहे थे, तो ये कहते हैं मैं जरा सैर करने तुझे पता चला जाता हूँ। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द रनिंग लीज है ना, 29 जून तक हम इस एसेट को चलाते रहे हैं किराए पे, बल्कि मुझे तो लग रहा है 30 जून को भी शाम 3-4 बजे तक किराए पे ही चलाते रहे होंगे इसको। तो हमारे साल के आखिरी दिन तक किराया इसका बनता है, वो हमारे कंधों पे है। मोहतरम ये देखें, रनिंग लीज रिकॉर्ड हो गई कितनी, जरा सारे ऊपर देखते रहिएगा, बूथा ऊपर रखना जरा। अकाउंटिंग डिडक्शन और इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करना इज कॉल्ड एज रनिंग लीज, इज कॉल्ड एज रनिंग लीज। व्हाई इट इज रनिंग? रेंटल पे हो रहा है बस, इस वजह से इट इज रनिंग लीज, चल रही है लीज। हाँ 30 जून की रात को खत्म होगी वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमारा पूरा साल तो चलती रही ना, तो रेंटल तो माइनस करना है। आगे चले जी, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी किस दिन? 30 जून 2000, द अकाउंटिंग बीवी एंड मार्केट वैल्यू वॉज क्रॉस एंड क्रॉस। हमने क्या खानी है? बोटी। बीच में क्या आ गए? बाद में खा लेंगे, नहीं काट दें फिलहाल। क्लियर? ओके ये क्या दी हुई है? एट कमेंसमेंट ऑफ लीज द कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 12,00,000। वो ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है यार, इसको सर में मारना है, इसका क्या करना है, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आपको तो आपने भी पता था वो अपने हमने यूज करना है, पता है क्या, हमने 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये तो पता नहीं बहुत वो हिस्टोरिकल कॉस्ट देने लगे हैं, ये पता नहीं किन चक्रों में डाल दिया। जब लीज शुरू हुई तब गाड़ी 12,00,000 की थी, या मशीन जो भी है, इसे तो काटें हिस्टोरिकल कॉस्ट को। अभी क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या लेना है? रेजिडुअल वैल्यू किस दिन की? जिस दिन लीज मैच्योर हो गई उस दिन की रेजिडुअल वैल्यू, वो कितनी है? 1,00,000। इसे कंसिडर कर लेते हैं, बाकी डेटे को इग्नोर कर देते हैं। अब बता दें क्या ये लीज रनिंग थी? हाँ, लेकिन 30 जून की शाम को ये रनिंग लीज एक्वायर कर ली। अगर ये लीज एक्वायर हो गई तो दीवाना वार हम जाएंगे पेज 195 पर, पेज 195 पे, और जाके देखेंगे रनिंग लीज खत्म हो जाए और लीज नॉर्मल वाली खत्म होके एसेट खरीद लें तो क्या रिवर्स करना है, क्या रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा देनी है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देनी है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो एक दफा ऐड कर दी है ना, बोर कितनी दफा ऐड करें उसे, वो तो ऐड हो गई है। अब सिर्फ क्या करना है, लेकिन 30 जून की रात को लिए तो डेप्रिशिएट क्यों करें टैक्स वालों की नजर में? टैक्स वाले तो कहते हैं 30 जून की रात को भी आप खरीदो तो यू आर सपोज टू डेप्रिशिएट। अब दो मसले हैं, पहला मसला दूसरा मसला। ये एसेट का नाम है मशीन, तो इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, तो उसका जवाब है नो, क्योंकि 5 साल से यूज हो रहा है तो ये यूज्ड एसेट है, इसलिए नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल अलाउंस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल अलाउंस। लिखना कुछ नहीं, अभी लिखवा देता हूं, 1,00,000 रुपए पे इनिशियल अलाउंस नहीं लगाना, पहला मसला। दूसरा मसला कि आपने इस एसेट को खरीदा है इस साल, तो खरीदने के साल में जो 50% वाला फैक्टर, क्या वो लगाना है या 50% वाला फैक्टर नहीं लगाना? इसके लिए मैं एक लाइन आपको आज पहली दफ़ा तफसील से समझाने लगा हूँ, आपको पेज निकालने की ज़रूरत नहीं। पेज 133 के ऊपर डेप्रिसिएशन के डब्बे के नीचे एक लाइन है, इफ़ आई एसेट इज़ यूज्ड इन पर्सनल बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर खरीदने के साल में 50% का फैक्टर लगाना है। तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं हो रहा बिजनेस में, ये हमारे बिजनेस में मुसलसल 5 साल से यूज़ हो रहा था, इसलिए खरीदने के साल में भी 50% का फैक्टर नहीं लगाना। और इनिशियल अलाउंस इस वजह से नहीं लगाना कि ये एसेट यूज्ड है। अब ये बातें बिल्कुल आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेक्शन 76 निकाल लें, जहाँ ये हमारा सेक्शन था वहाँ मैंने लिखी हुई है ये दोनों बातें नई किताबों में, पेज 149। इफ एन एसेट इज परचेज्ड एट और बिफोर एक्सपायरी ऑफ, द डेप्रिसिएशन विल नॉट बी पोर्शन टू 50% in the year of, because it was previously used in persons
फर्दर इनिशियल अलाउंस विल ऑल्सो नॉट बी कैलकुलेटेड इन दिस केस। ये दो एहतियातें हैं, इनिशियल अलाउंस मशीनरी हम खरीद रहे हैं, हाँ हाँ वो लगा देना, इनिशियल अलाउंस मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो इसलिए इनिशियल अलाउंस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से यूज हो रही है तो नई मशीन नहीं है। और दूसरी बात, खरीदने के साल में 50% फैक्टर भी नहीं लगाना। चलें जी, अब ये वाला इंपैक्ट किसका था, ये वाला रेड मार्कर से रनिंग लीज का इंपैक्ट था, और ये ब्लू मार्कर से जो मैं टिक कर रहा हूं ये कौन सा वाला इंपैक्ट है, लीज रनिंग खत्म हो गई और हमने उसे क्या कर लिया है, अकाउंटिंग एक्शन ऐड कर दें, वो अब हुई भी, अब डबल क्या ऐड करूं दोबारा, अकाउंटिंग एक्शन ऐड कर दें और अब आपका ओन्ड एसेट बन गया तो टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। जी क्या लूं, रेजिडुअल वैल्यू लूं या बार्गेन परचेज प्राइस, रेजिडुअल वैल्यू, क्लियर, रेजिडुअल वैल्यू लूं या फेयर वैल्यू या अकाउंटिंग WDV, रेजिडुअल वैल्यू लूं या हिस्टोरिकल कॉस्ट लूं, रेजिडुअल वैल्यू, इनिशियल अलाउंस लगाना है या डायरेक्ट डेप्रिसिएट कर दूं, डेप्रिसिएशन में 50% वाला फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना, क्या जा गया जवाब, 1,00,000 पे 15% हमने लगाना है, इसके लिए हमने आधा घंटा जाया कर दिया। आज आके ये कंक्लूजन निकला कि 1,00,000 पे 15 लगाना है, काफी लंबी चौड़ी बात हुई है, किस पे लगाना है और क्या रेट लगाना है, बुक गया 13,00,000। जी जब तक लीज चलती रही 30 जून 2008 की रात तक लीज चलती रही तो क्या क्या करें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टा के, जब तक लीज चलती रही तब तक तो ये करें, 30 जून की रात को एसेट आपका बन गया तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, आपने मैच्योरिटी के ऊपर बाय किया है या ड्यूरिंग द लीज, रेजिडुअल वैल्यू ढूंढें, बार्गेन परचेज प्राइस ढूंढें, रेजिडुअल वैल्यू की जगह अगर फेयर वैल्यू या अकाउंटिंग WDV या हिस्टोरिकल कॉस्ट दे दे तो इग्नोर करके आप सिर्फ किस पे परसेंटेज लगाएं, इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड नहीं करना, खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना। ये एग्जाम नोट के बारे में डिस्कशन होगी सारी, वापस आ जाएं। ठीक है, सवाल को खत्म कराएं। अब सवाल को खत्म कराने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, चैप्टर 20 पे न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट नजर मार लें, क्या क्या करना है, सिर्फ बिजनेस इनकम कमा रहा है और सेपरेट ब्लॉक कोई नहीं है, जकात भी कोई नहीं है, है जकात है, जकात है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वगैरह कुछ नहीं है, फॉरेन टैक्स रेट नहीं है, जकात है बस, और चैरिटी वगैरह और नए शेयर खरीदने का टैक्स रेट भी कोई नहीं है, सेपरेट ब्लॉक इनकम भी कोई नहीं है, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम ऐड भी करेंगे और टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम लेस भी करेंगे, एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स नहीं काटा, नौकरी तो कहीं कर नहीं रहा, और एडवांस टैक्स भी आज बिजनेस का पे नहीं किया, और कोई टैक्स क्रेडिट भी डिसअलाउ नहीं होना, तो दो चीजें सिर्फ बच गई, जकात और टैक्स ऑन डिविडेंड, जकात और टैक्स ऑन डिविडेंड, फेस पे ये दो चीजें पोस्ट कर दें, सवाल खत्म। जी वो आगे खुद ही लिख लीजिएगा, बताएं जी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें आप टोटल इनकम, लेस ज़कात, किराए माइनस एक, कुछ बच्चे समझ रहे थे 1,00,000 क्यों माइनस करें, डिविडेंड में ज़कात माइनस करने की जात नहीं, नहीं नहीं भाई, डिविडेंड में बिल्कुल ज़कात माइनस करने की जात नहीं, लेकिन बेचारे की कट गई है ज़कात इसलिए माइनस किया है, डिविडेंड का रेट हमने 8,00,000 पे लगाना है, डिविडेंड का रेट नहीं 8,00,000 माइनस 1,00,000 7,00,000 पे लगाना, तो डिविडेंड का रेट 8,00,000 पे लगेगा पूरे। जी ज़कात बोलें 1,00,000, क्या जवाब आ गया, ये क्या निकल आई,
पेज 30 पे जाएं, टैक्स, लेकिन कौन सी रिजीम का? नॉर्मल टैक्स रिजीम। जाएं पेज 30 पे, 70,000 प्लस 20,000 पे, 20,000 पे 2 लाख पे, 20,000 पे कितने परसेंट? जवाब बताएं। इन्वॉल्व है सारे क्लास में, शौक से ले रहे हैं क्लास के बोझ समझ के, शौक से जी बोलें। 70, ये किसका टैक्स आ गया? नॉर्मल टैक्स रिजीम का। कोई सेपरेट ब्लॉक्स वगैरह नहीं, सिर्फ एक ही इनकम है, कौन सी? डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड। कितनी इनकम है? 8 लाख, इस पे टैक्स रेट 15%। रिक्लासिफाई हो गया, रिक्लासिफाई हो गया जी, कितना? 1,20,000। ये क्या आ गया? टोटल टैक्स 193,000 लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन, ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। इसी फिगर को माइनस कर दें, कितना? तो पेबल टू गवर्नमेंट 73,000 जी। वो यही वाला है ना इनकम टैक्स, ये जो डिविडेंड पे जो इसने टैक्स पे किया, ये बिजनेस वाला नहीं है, ये डिविडेंड इनकम वाला। क्लियर? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बताता नहीं हूं, लेकिन आप देख के बगैर पूछे भी हजम करके आगे चले जाया करें खुद ही। मिसाल के तौर पे एक चीज आप नोट कर रहे होंगे काफी दिनों से, कि जो डिविडेंड इनकम होती है ना, 8 लाख इनकम, 8 लाख, इसे हम ऊपर ऐड कहीं नहीं करते। जैसे प्रॉपर्टी इनकम ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी इनकम कैसे करते हैं? ऐड भी करते हैं ऊपर और साथ ही लेस भी करते हैं, क्योंकि उसका सेपरेट रेट है। लेकिन कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि 8 लाख ऊपर ऐड नहीं होता? ये नोटिस में आया, कितने लोगों ने आज नोट किया चले कि 8 लाख हम ऊपर ऐड नहीं करते? तो कुछ लोगों की राय है कि 8 लाख ऐड भी करें, लेस भी करें, कर दें जिस तरह करते हैं आप प्रॉपर्टी में, जिस तरह करते थे, क्योंकि इसका अलग रेट है, वो बहुत लंबा काम हो जाएगा, छोड़े परे बस। 8 लाख को बेशक ना करें, इसमें कुछ लोगों की राय है कि बेशक ऐड ना करो ऊपर, तो इसलिए हम 8 लाख को यहाँ शो नहीं करते, डायरेक्ट 8 लाख पे क्या निकाल देते हैं? टैक्स। तो कौन कौन सी इनकम्स ऐड होती हैं ऊपर, आपको पता होगा, सेपरेट रेट वाली, कौन कौन सी? प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज, गेन ऑन डिस्पोजल, ऐड भी होता है और फिर लेस भी होता है। चलें जी आ जाएं। अच्छा, वैसे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, लीज का जो किराया होता है ये हर साल एक ही होता है या हर साल बदलता रहता है? जो रेंटल्स वगैरह एग्री होते हैं, लीज के शुरू में एग्री हो जाते हैं सारे सालों के लिए या हर साल बदलते रहते हैं? आमतौर पे शुरू में एग्री हो जाते हैं और हर साल सेम रहते हैं, वैसे आमतौर पर बात कर रहा हूँ। तो इस रेंटल के साथ अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ, एनुअल रेंटल है ये, तो ये इस साल पे हुए हैं या इसी जैसी अमाउंट मुसलसल 5 साल पे हुई होगी? 2017 तो इस साल का किराया ना, पिछले साल का कितना होगा? 270, उससे पिछले साल का, उससे पिछले का, उससे पिछले का, पूरे नहीं होंगे 5 साल। अच्छा, तो 5 साल तक मुसलसल लेसी कितना किराया देता रहा? 270। क्लियर? अच्छा, अब ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाने लगा हूं लेसर के एंगल से। किसके एंगल से? लेसर के एंगल से। तो आप आ जाएं पेज 151 पे, हमारा रहता है सबसेक्शन 4। हमारा रहता है सबसेक्शन 4, मेरा आपका सबका सबसेक्शन 4 रहता है। अच्छा,
मैं मुबशर का डाटा ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब किसकी बुक्स में आपको करवाने लगा हूँ ये सवाल? लेसर की बुक्स में। अच्छा जी, यार मुझे ये बताएं कि आप बैंक के पास अगर कोई मशीन लीज पे लेने जाते हैं तो बैंक के पास मशीनों का स्टॉक पड़ा होता है या बैंक में मशीनें नहीं पड़ी होती? बैंक तो बाजार से जाके मशीन लेगा ना और फिर मुझे किराए पे देगा, ऐसा ही है। मैं बैंक को जाके कहूँ मुझे गाड़ी दे दो, बैंक कहेगा भाई मेरे पास नहीं गाड़ियां, मैं कहीं से खरीद के तुम्हें लेके दे देता हूँ। इतनी सी बात समझ आ गई। अच्छा मुझे ये बताएं ये लीज कितने साल की थी? 1 2 1 2 3 4 बोले बोले 5 साल की लीज थी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बता सकते हैं कि लेसर ने ये बाजार से एसेट कितने का खरीदा था? मैं पहले क्वेश्चन बना दूं, लेसर ने बाजार से 1 जुलाई 3 को ये एसेट कितने का खरीदा था? नजर मार के हैं सवाल में आखिरी लाइन, 12 लाख याद है? बाजार से कितने का खरीदा था? 12 लाख का। अच्छा मुझे ये बताएं कि एनुअल किराया हमारे से क्या सेट किया था उसने? एनुअल रेंट कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। कितना? 2,70,000। अच्छा हमसे इसने जब बेचा है तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी रिसीव की है? 1 लाख। वो भूल जाए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, दी तो दी ना हमने उसे, उसने हमसे क्या रिसीव किया? 1 लाख। किस वक्त रिसीव किया मुझे बता दें। लेसर के लिए आउटफ्लो क्या है? एक्सेलेंट, 12 लाख। और लेसर के लिए इनफ्लो क्या है? लेसर ने बाजार से कितने का एसेट खरीदा था? मेरे से हर साल कितना किराया मांगता है? 270। और आखिर में मुझे कितने का बेच दिया? 1 लाख का। पागल है, 12 लाख खर्च के 3,70,000 मेरे से लिए, ये 270 कितने साल तक लेता रहा? 5 साल तक लेता रहा। क्या आप एग्री करते हैं कि अगर मैं आपके सामने 5 साल ड्रॉ करूं तो लेसर की जेब से 12 लाख गए थे और लेसर की जेब में 270 हर साल आते रहे? क्या इस पे एग्री करते हैं? क्या इस पे भी एग्री करते हैं? 1 लाख रुपया भी इसके पास आया। क्या आप एग्री करते हैं कि टोटल इनफ्लो शहजादे का कितना है? 2,70,000 को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से 5 से, 13,50,000 जमा डालें इसमें 1 लाख, ये पॉजिटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन है। इनफ्लो कितना हुआ? 14,50,000। क्लियर? 14,50,000। और आउटफ्लो कितना हुआ? कितना? 12 लाख। लेसर तेज है, बिल्कुल तेज है। इसने क्या किया? इसने 12 लाख इन्वेस्ट करके हमसे कितना कमाया? 14,50,000। ये सारी बातें कुछ समझ आई या नहीं समझ आई? बाजार से कितने का खरीदा था? 12 लाख का। किसने बना के कितने ले रहा था? 270। एंड पे कितने पैसे लिए? 1 लाख रुपए। ये नोट करने का मैं टाइम दूंगा, लेकिन एक बात जरा पहले सुन लें जो मैं ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं। रेजिडुअल वैल्यू बताएं प्लस अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज। कैलकुलेटर पकड़ें, अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग टर्म ऑफ लीज 270 × 5, 13,50,000 इज नॉट लेस को काट के लिखते हैं ग्रेटर। ये नॉट लेस तो ऐसी कंफ्यूजिंग सी लाइन होती है, नॉट लेस तो हमेशा परेशान करते हैं। नॉट लेस को काट के क्या लिखते हैं? अच्छा आप मुझे बताएं, व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, व्हाट इज अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द 5 ईयर्स? 13 लाख। 13,50,000 प्लस 1 लाख ऑफ एसेट छोड़े इज ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या ये फिगर ग्रेटर आया करेगी ओरिजिनल कॉस्ट से? तभी तो लेसर के कारोबार चलेंगे, वरना तो लेसर कारोबार बंद करके चला जाएगा। तो बता दें क्या इज ग्रेटर देन क्या लेसर के लिए? ज़माने याद करें, रेजिडुअल वैल्यू प्लस 5 ईयर रेंटल। मुश्किल इंग्लिश, अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज आपने झाड़नी है तो झाड़ दें। रेजिडुअल वैल्यू प्लस 5 ईयर इज इक्वल टू 14 लाख इज ग्रेटर देन 12 लाख। क्लियर? ये मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगा। यहां तक बात समझ आ गई? आखिरी सवाल मेरा, ये तो हर लेसर करना चाहेगा ना, दुनिया का हर लेसर यही करना चाहेगा। लेसर के लिए कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है?
वो बेचने वाले ना, मेरे लिए कॉस्ट क्या है 1 लाख? सवाल किया अभी, सवाल करके आए इसका मुश्ताक का, मेरे लिए कॉस्ट क्या है? तो मैं लेसर के लिए सेल प्राइस पूछ रहा हूं आपसे यार। मिरर इमेज कराए आप क्या? मिरर इमेज कराए, वो तो कराए हैं यार, कराए हैं, 13,50,000 तो कराया है। एक्सेलेंट, 1 लाख, वेल डन। ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि इट इज कॉन्सिडरेशन इफ आई पुट ऑन द शूज ऑफ लेसर। अगर मैं, लेसर बैंक है ना, हाँ लेसर बैंक है, बैंक, मैंने 1,00,000 रुपया बैंक को जाके दिया, मैं सर खरीदना चाहता हूं, बैंक कहता है ठीक है मैं 1,00,000 में बेचता हूं, बैंक ने मुझे बेच दिया, बैंक मेरे से किराया लेता रहा था 2,70,000, अब मैं अपना सर दीवार में मारूंगा, ये 2,70,000 कौन किराया लेता रहा था? बैंक, बैंक। और एंड पे बैंक ने मेरे से कितने लिए? 1,00,000। मैंने पे किए 1,00,000 मेरी कॉस्ट, और लेसर को मिले उसकी कंसिडरेशन। अब ये पहली लाइन भी जरा पढ़ लें, पहली लाइन में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वो पढ़िएगा बस, क्योंकि मुझे आइडिया होगा कि आपको सिर्फ काम की बात पहले बतानी पड़ती है। एक मिनट, सबर सबर सबर। द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड। लेसी के लिए ये 1,00,000 रुपया क्या था, और लेसर के लिए ये 1,00,000 रुपया कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब दोबारा पढ़ लें, आप पूरा फिक्रा पढ़ लें। द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बैंक और अ लीजिंग कंपनी, फॉरेन एसेट लीज्ड बाय द कंपनी टू, ये कहानियां हैं। आगे मेन बात, शैल बी द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। लेकिन एक बात वो कहते हैं यार, लेसर ना सारे इस कंडीशन को जरूर पूरा करते हैं। लेसर सारे किस कंडीशन को पूरा करेंगे? वो लोग कोशिश करते हैं हमेशा, हर लेसर दुनिया का क्या कोशिश करता है कि मैं ये जो पैसे ले रहा हूं 14,50,000, डेट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, डेट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, अब आप सारी बातें जरा मुझे एक एक करके रिवाइज कराएं। द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बैंक शेल बी द ऑन द मेच्योरिटी ऑफ लीज। व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ लीज? 1,00,000। इट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड। और हर दुनिया का लेसर क्या करना चाहता है? 1,00,000 जमा 13,50,000 शुड बी ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन 12,00,000। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले पॉज करके नोट कर लें और बाकी हजरात इधर बैठ के नोट कर लें।